नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए खबरों पर जाने से पहले नजर डाल लेते हैं बुलेटिन से जुड़ी अहम सुर्खियों पर। लोकसभा में कृषि कानून वापस, बिल पास, चर्चा के लिए विपक्ष में हंगामा। टेट का एग्जाम पेपर लीक होने के बाद बड़ी स्टूडेंट्स की परेशानी, बिना एग्जाम के वापस लौटना पड़ा घर। दलित दुल्हे की पुलिस सुरक्षा में शांतिपूर्वक निकाली गई निकासी, जयपुर से आई आरएसी की कंपनी। और अब खबरें विस्तार से। लोकसभा में विंटर सेशन शुरू होते ही कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि कानून वापसी का बिल पेश किया जो कि पास हो गया है। इसके बाद में कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने कानून वापसी पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष से कहा कि आप चर्चा चाहते हैं तो वो करवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष ने नारेबाजी जारी रखी। इसके बाद में लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई थी। यूपी टेट का एग्जाम पेपर लीक होने के बाद पूरे प्रदेश में स्टूडेंट्स की परेशानी बढ़ गई है। जो स्टूडेंट्स एग्जाम देने के लिए सेंटर पर पहुंचे थे, उन्हें बिना एग्जाम दिए वापस घर लौटना पड़ा। बिजनौर में भी एग्जाम पेपर लीक होते ही खबरें आने के बाद में स्टूडेंट्स को सेंटर से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, जिसके बाद में स्टूडेंट्स काफी परेशान और मायूस दिखाई दिए। दूर दूर से जहां स्टूडेंट्स एग्जाम देने के लिए आए थे, तो जिन्होंने अपनी परेशानी मीडिया से साझा की। सुबह जैसे ही दिन निकला और खबर आई कि यूपी आईटीआई का पेपर लीक हो गया है। जानकारी के मुताबिक मथुरा, गाजियाबाद, बुलंदशहर के व्हाट्सएप ग्रुप पर यूपी टेट एग्जाम का पेपर वायरल होने की बात सामने आई थी, जिसके बाद में पेपर कैंसिल कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक इस मामले की जांच एसटीएफ कर रही है कि पेपर पर्चा लीक होने के पीछे किसका हाथ है, लेकिन अचानक पर्चा लीक होने की खबरें आते ही एग्जाम कैंसिल होने से स्टूडेंट्स की परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि उनकी मेहनत पर अचानक से पानी फिर गया। जी सचिन जी, आप टेट की परीक्षा देने के लिए आए थे, क्या कुछ हुआ आज? बस पेपर दे रहे थे तो आधे पौन घंटे में खबर आई कि मतलब पेपर रद्द हो गया है। तो अपनी पढ़ाई भी ठीक ठाक की, आगे देखो क्या करना है। दोनों पालियां कैंसिल हो गई? दोनों पाली कैंसिल, पहली भी, सेकंडली प्राइमरी भी और जूनियर दोनों। तो क्या बताया आपसे कि किस वजह से जो है? कुछ नहीं बताया, यही कहा कि मतलब पेपर रद्द हो गया है, ऊपर से खबर आई है। जी क्या नाम है आपका? मोहम्मद आतिफ हुसैन। आज आपकी परीक्षा दी है, रद्द कर दी गई है, आपको क्या फील हो रहा है? पेपर के टाइम पे एमए का पेपर रद्द हो गया, हमारा बड़ा दुख हुआ, बड़ा ही खेद है। बहुत मेहनत की होगी आपने पढ़ाई में, मेहनत रद्द हो जाता है। मेहनत बहुत की थी और पेपर भी बहुत बढ़िया आया था, लेकिन क्या करें, तो आप सरकार की असफलताओं के कारण हमें निराश होना पड़ा। सरकार और सिस्टम की सारी गलती है। शुक्रिया, जल्दी से जल्दी पेपर दोबारा से कराया जाए और भर्ती निकाली जाए। पावटा के निकटवर्ती उपखंड की ग्राम पंचायत केरोड़ी में रविवार को दलित दूल्हे के विवाह समारोह के अंदर भारी पुलिस जाप्ते की निगरानी में घोड़ी पर बैठाकर रविवार को विधायक इंद्राज गुर्जर व बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी में निकासी निकाली गई, जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही। विगत 25 नवंबर को दूल्हे की बहन के विवाह में आई बारात पर पथराव की घटना के बाद एसपी जयपुर ग्रामीण मनीष अग्रवाल ने स्वयं कमान संभाल रखी थी। विशेष तौर पर आरएसी की 2 कंपनी जयपुर से बुलाकर तैनात की गई थी। शनिवार को कड़ी सुरक्षा के बीच दूल्हे का बांध निकाला गया। हरिपाल के 2 पुत्र क्रमेश, धर्मपाल व पुष्पेंद्र की शादी समारोह के अंदर रविवार को घोड़ी पर बैठाकर निकासी निकाली गई। वहीं गौरतलब है कि 25 नवंबर को करौड़ी में दूल्हे व बारात पर की गई पत्थरबाजी से बारात में आए 4 लोग घायल हो गए थे, जिस पर प्रागपुरा पुलिस ने 20 जनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 10 जनों को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं सभी आरोपी की जमानत अर्जी भी शनिवार को खारिज कर दी गई। वहीं दूसरी ओर घटनाक्रम की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा तीव्र कार्रवाई कर एएसपी रामकुमार कासवा व डीएसपी दिनेश कुमार यादव को प्रशासनिक कारणों से एपीओ कर दिया गया था। वहीं प्रागपुरा एसएचओ शिवशंकर चतुर्वेदी को भी लाइन हाजिर कर दी गई थी। मामले में दूल्हे के पिता रमेश चोपड़ा द्वारा 2 दर्जन से अधिक लोगों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में नामदर्ज मामला दर्ज करवाया गया था। नागौर के उप तहसील डे क्षेत्र के अंदर 47 गांव में बिजली से वंचित ढानियों में बिजली कनेक्शन करवाने हेतु कैंप लगाकर सौभाग्य योजना में नाम सम्मिलित करवाकर कनेक्शन करवाने की मुहिम चलाई जाएगी। कमेरिया, गडेरिया, नौसरिया डे, किशनपुरा, हिंगोनिया,
जोधियासी, पैरावी, मांझीवास, झाड़ेली इनके साथ ही अनेक गांव के अंदर 134 किसानों ने अपने आधार कार्ड व मोबाइल नंबर उपलब्ध करवाए हैं, जिनके नाम आज ही लिस्ट में सम्मिलित करवाकर पोल और खंबा रूप करवाया जाएगा। उप तहसील डे क्षेत्र के अंदर और भी कोई व्यक्ति जिसके ढाणी में विद्युत कनेक्शन करवाना हो वो व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करे और जिला मुख्यालय पर आकर उचित मदद भी की जाएगी। साथियों, आज उप तहसील डे जिसके अंतर्गत आने वाले 47 गाँव में जो किसानों के आमजन के ढाणियों में जिनके बिजली नहीं है, विद्युत कनेक्शन नहीं है, उनके विद्युत कनेक्शन करवाने के लिए सभी काश्तकारों से आधार कार्ड और मोबाइल नंबर इकट्ठा करके सौभाग्य योजना में बिजली विभाग में नाम जुड़वा कर सभी के विद्युत कनेक्शन करवाने के लिए आज यहां कैंप लगाकर सबका सहयोग के लिए किया और सबके विद्युत कनेक्शन करवाने का काम करेंगे। हमारी संघ समिति डे तहसील निर्माण आंदोलन की तरफ से ये मुहिम चलाई। जय हिंद। राम राम सा, आपका एडवोकेट बीरबल कमेडिया। जय हिंद। आपका निकटवर्ती ग्राम पंचायत भूरी बड़ास के ढाणी के अंदर जाना वाली नाड़ा निवासी रोहिताश स्वामी ने बताया कि सोमवार सुबह 3 बजे के करीब जंगली जानवर जरक ने घर के बाड़े में बंधी गाय पर शिकार कर दिया। वहीं बाड़े में बंधे अन्य जानवर कापर शोर सुनकर हम लोगों ने जाकर देखा तो जंगली जानवर ने गाय के पेट को चीर रखा था। शोर शराबा सुनकर भाग गए। वहीं इसकी सूचना ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत भूरी बड़ास सरपंच कैलाश स्वामी को दी। उन्होंने सूचना वन विभाग के अधिकारी DFO संदीप कौर व रेंजर सीताराम को दी, जिस पर नजदीकी वन विभाग के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा भरकर पदमार्क के आधार पर जंगली जानवर जरक द्वारा शिकार करने की पुष्टि की। रविवार को जंगली जानवर जरक द्वारा किए गए गाय का शिकार व मौके से मिले पदमार्क के आधार पर इलाके में जरक की होने की पुष्टि हुई है। वनपाल हरदान गुर्जर ने ग्रामीणों को रात के समय सतर्क रहने के लिए भी कहा है। वहीं ग्राम के अंदर लोगों ने जंगली जानवर आने की सूचना से भय व्याप्त हो गया है। पाटर निकटवर्ती ग्राम पंचायत पाथरेड़ी के अंदर डामनों की ढाणी के अंदर रविवार रात अज्ञात कारणों से आग लगने से दर्दनाक हादसे के अंदर 3 भैंस व 2 गाय जलकर उनकी मौत हो गई। वहीं घरेलू सामान सहित आवश्यक सामान भी जलकर राख हो गया। वहीं जानकारी के अनुसार प्रथम दृष्टता से माना जा रहा है कि छप्पर पोल के ऊपर से विद्युत लाइन गुजर रही थी, जिससे शॉर्ट सर्किट से छप्पर में आग लग गई। उपस्थित लोगों ने बड़ी मशक्कत के बाद में ट्यूबवेल के माध्यम से आग पर काबू पाने की कोशिश की। वहीं पुलिस थाना सरुड़ मामले में अनुसंधान कर रहा है। श्रीगंगानगर दौरे पर रहे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी विधायक नारायण बेनीवाल और विजय बेनीवाल ने सूरतगढ़ पहुंचने पर नारायण बेनीवाल का राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया। घरसाना पंचायत समिति के अशोक गोदारा सूरतगढ़ पंचायत समिति से हरि बेनीवाल, दयाल जाखड़ व पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा नारायण बेनीवाल को विश्वास दिलाया गया कि यहां से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सभी वार्डों में प्रत्याशी उतारकर जीत दर्ज करेगी। नारायण बेनीवाल ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि गंगानगर जिले में प्रत्येक जोन पर प्रत्याशी उतारेंगे, वहीं पूरे दमखम के साथ में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यहां से जीत दर्ज करेगी। इससे पहले भी राजस्थान में कई पंचायत समितियों में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने प्रत्याशी उतारे हैं और जीत भी दर्ज की है। नमस्कार। अभी राजस्थान के अंदर जो चुनाव हो रहे हैं पंचायती राज के, तो आज गंगानगर जिले के अंदर आपको बता दें पूरे राजस्थान के अंदर इससे पहले भी चुनाव हुए हैं, तो राजस्थान के अंदर तीसरे विकल्प के रूप में जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी RLP यहाँ से चुनावों के अंदर हमेशा चुनाव लड़ा इन्होंने, तो पंचायती राज के अंदर इनके जो कई प्रधान भी बने हैं कई पंचायत समितियों के अंदर, तो अब की बार गंगानगर जिले के अंदर ये प्रभारी के रूप में हमारे साथ है नारायण जी बेनीवाल खीमसर जो विधायक है वहाँ से, तो इनसे बात करेंगे पूरे जिले के अंदर ये किस तरीके से यहाँ से चुनाव लड़ेंगे और अब की बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यहाँ पे किस किन किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेगी। देखिए, गंगानगर जिला जो है वो हमेशा तीसरे मोर्चे के रूप में चाहे अलग अलग पार्टियाँ या निर्दलीय के रूप में भी हमेशा विधायक यहाँ से चुनते आए हैं, और किसान जवान की जो पार्टी है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, उसके सुप्रीमो हनुमान जी का निर्देश है यहाँ से जो गंगानगर में चुनाव होने जा रहे हैं। वैसे तो इस बार पंचायती राज की जो चुनाव है उसको कांग्रेस पार्टी ने पूरा प्रदेश का मखौल पूरे देश के अंदर उड़ाया कि कभी एक जिले का चुनाव करा रहे हैं, कभी 2 जिलों के चुनाव करा रहे हैं, पूरा 1.5 साल जो है वो इन पंचायती राज के चुनाव में लग गया। हमारा यह प्रयास है कि चूँकि गंगानगर हनुमानगढ़ ये सीमावर्ती इलाका भी है, यहाँ के किसान जो है पहले समृद्धि की ओर हमेशा आगे की पंक्ति में खड़े रहें,
हमारे प्रयासिक लोकतंत्र और विशेषकर पंचायत राज के अंदर नौजवान आ गए हैं, किसान परिवार के लोग आ गए हैं, तो निश्चित रूप से जो दोनों दलों की जो 75 साल से जो मिला जुली का खेल इन लोगों का चल रहा है, इस खेल को कहीं ख़त्म करें और किसान और जवान की सच्ची जो सत्ता के अंदर जो भागीदारी है उसका हम प्रयास करेंगे। तो नारायण जी, यहाँ पे सूरतगढ़ पंचायत समिति में आप पहुँचे, तो सूरतगढ़ पंचायत समिति में कौन कौन से मुद्दों को लेकर यहाँ से चुनाव लड़ेगी लोग? देखिए, मुद्दे बहुत सारे हैं, विशेषकर किसानों के अधिकतर मुद्दे जो हैं वो लगभग समान से ही मुद्दे हैं। अभी हम पूरे एक बार हम यहाँ आए हैं जिले के अंदर, सब हमारे जो पदाधिकारी और कार्यकर्ता जो उनसे सलाह मशविरा करके और अलग अलग पंचायत समितियों के जो विशेष मुद्दे जो अलग अलग है उनको भी हम अंदर शामिल करके, हमारा प्रयास ये रहेगा कि प्रदेश का नौजवान और किसान जो है जो बदहाली की स्थिति में, उनकी स्थिति में सुधार कैसे हो। फिलहाल स्टेट न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए डीपीके न्यूज के साथ। नमस्कार। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना।